इस सीजन में वो होगा जिसका इंतजार जनता को लंबे वक्त से था। क्या वाकई नागिन 6 के फिनाले में आएंगी त्रिदेवियां? बेला, पानी और शलाका की वापसी से होगा बड़ा धमाका। क्या इस बार सर्वश्रेष्ठ नागिन, महाशेष नागिन और साथी नागिनों की शक्तियों का दिखेगा तगड़ा कमाल? हर बार नागिन के जब भी किसी सीजन के फिनाले की बात आती है तो जनता में यही सवाल उठता है कि फिनाले में कौन कौन सी नागिने दिखाई देने वाली हैं। नागिन सीजन 5 के फिनाले के दौरान भी पुरानी सारी नागिनों के आने की खबरें खूब सामने आई थी, लेकिन ये बातें महज अफवाह ही साबित हुई। वहीं जब से नागिन 6 की शुरुआत हुई है तभी से जनता में पुरानी नागिनों को देखने की एक्साइटमेंट बनी हुई है, ललक बनी हुई है और आए दिन खबरें भी सामने खूब आती रहती हैं। हर बार नागिन की वापसी की बातें तो कही जाती है, लेकिन पिछले सीजन से अब तक ये बातें सिर्फ और सिर्फ अफवाह ही साबित हुई। लेकिन अब लगता है कि मेकर्स नागिन 6 के फिनाले में फैंस को बड़ा तोहफा देने का मन बना ही चुके हैं तीन बड़ी नागिनों की एंट्री करवा कर। जी हाँ, अदा खान की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है, वहीं अब अनीता यानी कि विशाखा के आने की खबरें भी सामने आ रही हैं। और तो और अब तीन और बड़ी नागिनों की वापसी की खबरें सामने आई है। यहाँ दरअसल कहा जा रहा है कि अदा अनीता के बाद अब मेकर्स नागिन 3 की सुरभि ज्योति, नागिन 5 की सुरभि चांदना और कई सीजन में नजर आ चुकी रश्मि देसाई की एंट्री शो के ग्रैंड फिनाले में करवाएंगे। खबरें हैं कि मेकर्स इन तीनों ही एक्ट्रेस से बातचीत कर रहे हैं और बात लगभग आखिरी दौर में है और जल्द ही ये तीनों शो की शूटिंग का हिस्सा भी बनने वाली हैं। बता दें कि इन तीनों देवियों की एंट्री महाशेष सर्वश्रेष्ठ नागिन प्रार्थना को सपोर्ट करने के लिए ही शो में दिखाई जाएगी। खबरें हैं कि शो का फिनाले एपिसोड 9 मणियों की महक से हिफाजत के इर्द गिर्द घूमेगा। फिनाले में इन मणियों को लेकर महासंग्राम होगा। एक तरफ महक सीमा तो वहीं कई और नागिने होंगी, तो वहीं दूसरी तरफ सर्वश्रेष्ठ नागिन प्रार्थना का साथ देने ये तीनों देवियां आएंगी। हालांकि अब इंतजार है तो इन तीनों देवियों की एंट्री पर ऑफिशियली कंफर्मेशन का और ये देखने का भी कि किस मोड़ पर ये तीनों बड़ी नागिने शो में धमाल मचाने आएंगी।